आज हमारा टॉपिक है डेटा के ऊपर। डेटा क्या होता है, जैसे पहले भी डेटा के वाले से जिक्र कर चुके हैं, डेटा हमारे पास कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले आपका डेटा के टाइप में टेक्स्ट होता है, और इमेजेस, वीडियोस, जो भी आपका सिस्टम में मतलब जो टाइप कर रहे हो, लिख रहे हो, भेज रहे हो, हर एक चीज़ डेटा का एक टाइप है। अब यहाँ प्रोग्रामिंग के अंदर डेटा को कुछ टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसकी डेटा की टाइप कौन कौन सी है और कौन कौन सी टाइप्स को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से। तो उससे पहले डेटा को समझते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन इसकी क्या कह रहा है, डील विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा इन डेली लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, वी नीड टू हैंडल डेटा लाइक नेम्स, फोन नंबर, एड्रेस, ये सारे मिसालें इसकी, मनी, डेटा, स्टॉक एंड मोर एवरी डे। सिमिलर इन यूजुअल बेसिक में क्या है, वी हैव टू डील विद ऑल सॉर्ट ऑफ डेटा इन यूजुअल बेसिक। डेटा कैन बी सॉर्टेड एज वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स और एरेज। एरेज हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। दी वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑलवेज चेंजेस, जस्ट लाइक दी कॉन्टेंट्स ऑफ अ मेल बॉक्स और दी स्टोरेज बिन। ये इसको एग्जाम्पल दिया यहाँ पे किसका, वेरिएबल टाइप का। दी वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट रिमेन्स दी सेम थ्रू आउट एन एरे, एरे को छोड़ दें। अच्छा, इन्होंने डेटा टाइप्स में जाने से पहले इन्होंने दो चीजों की जिक्र किया है, एक है वेरिएबल और दूसरा है कौन सा, कॉन्स्टेंट्स। इसके लफ्ज से ही आपको पता चल रहा होगा, वेरिएबल के मायने, इंग्लिश में जो लफ्ज वेरिएबल है उसके मायने ही है तब्दील होना, मतलब हाँ चेंज होना। तो वेरिएबल जो है ना, वो ऐसे डेटा को आप कह सकते हो जो आप रन टाइम पे भी चेंज कर सकते हो उसको, या जब आप उसके ऊपर काम कर रहे हो डिजाइन में उस वक्त भी चेंज कर सकते हो। तो वेरिएबल मतलब वो एक डेटा की टाइप है। अब उसमें कोई भी डेटा नंबर भी हो सकता है, अल्फाबेट भी हो सकता है, जो हमने एग्जांपल्स ऊपर दिए हैं, फोन नंबर, एड्रेस, जो भी है इनमें। तो उसको अगर वेरिएबल में हम डालेंगे, या इस नेम को हम वेरिएबल करते हैं, फोन को करते हैं, नंबर को करते हैं, तो हम कभी भी चेंज कर सकते हैं क्योंकि वेरिएबल है। अब अगर हम नंबर, फोन और इनमें से किसी को लेते हैं और उसका डेटा टाइप में हम उसको डिक्लेयर करते हैं कॉन्स्टेंट में, तो उसको हम ऐसे डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते जिस तरह हम वेरिएबल को कर सकते हैं। ठीक है, ये दो चीजें समझ में आ गई, वेरिएबल और कॉन्स्टेंट जो डेटा के अंदर है। अब डेटा के टाइप्स की तरफ चलते हैं, कौन कौन से हैं। क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन इन टू मेजर डेटा टाइप्स, दोनों कौन से, एक न्यूमेरिक डेटा टाइप है और नॉन न्यूमेरिक है। न्यूमेरिक जो नंबर से रिलेटेड हो, नॉन न्यूमेरिक जो नंबर से रिलेटेड ना हो। अच्छा, नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप में मजीद इसको क्या बता रहे हैं, न्यूमेरिक डेटा टाइप्स कंप्राइजेस नंबर्स, उसके वर्ड से ही पता चल रहा है न्यूमेरिक से, दैट कैन बी कैलकुलेटेड अर्थमेटिकली यूजिंग स्टैंडर्ड ऑपरेशंस। ठीक है, अब वो नंबर्स जो जिसपे कैलकुलेशन करते हैं हम रियाजी के हिसाब से, अब वो स्टैंडर्ड कौन से फॉलो करते हैं ऑपरेटर्स, जो हमारे पास जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जमा, तफरी, तकसीम। ठीक है, ये चीजें। अच्छा, एग्जांपल्स कौन से इसके न्यूमेरिक डेटा टाइप्स के, जैसे मार्कशीट हो गया, हाइट होगी, बॉडी वेट। यहाँ पे एग्जांपल्स मैंने एक मतलब आपके रियल लाइफ से एग्जांपल्स लिए ताकि मुझे समझ में आ जाए। ठीक है, नंबर ऑफ कस्टमर्स, स्टॉक प्राइसेस, प्राइस, गुड्स, बिल्स, बस फेयर, मोर और भी काफी सारे। तो न्यूमेरिक डेटा समझ आ गया आपको, ये इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, कोई इसमें ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, चले आगे। दूसरा टाइप अब है डेटा टाइप, दूसरा है। अच्छा, इसमें जाने से पहले ये चीजें भी देख लो, हम प्रोग्रामिंग में इन्हीं को यूज करेंगे। ठीक है, जिस तरह का हम डेटा ले रहे हैं तो उसी टाइप से उसके क्या कहते हैं, ये टाइप चूज करेंगे कि जो हमारा डेटा है वो कितना बड़ा हो सकता है, उसमें डेटा का जो साइज है वो बड़ा है या छोटा, उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे उसको कौन से टाइप में सेट करना है। ये टेबल है उसकी, एक आपका बाइट है, ये बहुत कम यूज होता है, इंटीजर, लॉन्ग, सिंगल, डबल, ये ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, अच्छा क्यों, इसी तरह जैसे हम आगे जा रहे हैं आप देख रहे हो स्टोरेज इसी टाइप बढ़ रही है, मतलब 2 bytes तक का आप डेटा आप चाहते हो, जो मैं कोई डेटा अपने प्रोग्राम में यूज कर रहा हूँ सेव करने के लिए, चाहे वो फोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, नेम है, ठीक है, उसका 2 bytes के अगर वो अपना नाम लिखेगा, उसकी साइज कितनी होगी, स्टोरेज कितनी लेगा, 2 bytes से ज्यादा नहीं होगा तो आप उसको इंटीजर रख देना। आप चाहते हो कि यार काफी ज्यादा वो है, लंबा है, पूरा पैराग्राफ अगर लिख रहा है उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर या कुछ और है, तो आप इसी तरह सिंगल, सॉरी, लॉन्ग और डबल की तरफ जाओगे।
वो आपके प्रोग्रामर के रिक्वायरमेंट के ऊपर है। तो ये डेटा टाइप्स हैं, इनको याद कर लेना, इनके शॉर्ट अभी हम वहां यूज करेंगे, ठीक है। और ये उनकी स्टोरेज दी हुई है, या मजीद उनकी जो है ना रेंज बताई गई है कि स्टोरेज जो है वो तो 4 बाइट 8 बाइट जितना है, लेकिन एक रेंज भी बता दी ताकि मजीद आपको आइडिया हो जाए कि कितने नंबर से कहां तक आप इसमें डेटा जा सकता है। ये टेबल आपको मिलेगी, आप इसको डिटेल में भी पढ़ लेना, ठीक है, ये एज अ चार्ट, ठीक है। न्यूमेरिक डेटा टाइप के बाद आगे चलते हैं, दूसरा है नॉन न्यूमेरिक। नॉन न्यूमेरिक का जब जिक्र आ गया तो उसका मतलब क्या है जी, इसमें आपका नंबर नहीं है, या इसमें अल्फाबेट्स हो सकते हैं आपके। दूसरे डेफिनेशन की तरफ पहले चलते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप्स आर डेटा दैट कैन दे कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड यूजिंग स्टैंडर्ड अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अच्छा जी, ये क्या कह रहा है जी, डेटा की ये ऐसी किस्म है जिसको हम जो है रियाजी के जो ऑपरेशन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह, उसको हम जो ना मैनिपुलेट नहीं कर सकते इस स्टैंडर्ड से। ये लगाएंगे कुछ एरर आएगा, या जैसे मैंने एग्जांपल किया था प्लस और सिंपल साइन लगाया था ना, ये तो ऑटोमेटिक ऑपरेटर है, उसने क्या किया था दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ दिया था, मैनिपुलेट नहीं किया। मैनिपुलेट का क्या मतलब है कि 2 + 2 = 4, सही है, लेकिन 2 और साथ में फिर आउटपुट में 2 आ रहा है, कोई मैनिपुलेशन नहीं हुआ, सिंपल उसको उसे ज्वाइंट करके सिर्फ आपको डिस्प्ले दे दिया। तो वो यही बात यहाँ पे कर रहा है कि मैनिपुलेट नहीं कर रहा उसको ऑपरेटर्स को, सिंपल ऐसे ही दिखाएगा। दे कंप्राइज द स्ट्रिंग्स डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स, द बूलियन डेटा टाइप्स, ये उसी टाइप्स को नीचे बोल रहा है टेबल में जो दिए गए उन्हीं को ऊपर ये डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट डेटा टाइप एंड वेरिएंट डेटा देयर आर समराइज्ड टेबल में ही है जी। स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग आपको पता है टेक्स्ट है आपका, ठीक है, एक फिक्स्ड है, फिक्स्ड का मतलब क्या होगा जो आपका क्या कहते हैं कांस्टेंट को भी कह सकते हो। दूसरा वेरिएबल है जो चेंज हो सकता है, इसकी जो है ना यहाँ पे स्टोरेज भी दी हुई है और यहाँ पे रेंज बताई है 2 बिलियन कैरेक्टर्स मैक्सिमम, ये 65 400 कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स क्या है, जो एक एक जो आपका कर्सर बिलिंग कर रहा है ना उसको स्पेस दोगे वो एक करेक्टर, फिर एक स्पेस दोगे वो दूसरा करेक्टर, तो यहाँ से पूरा करेक्टर का ये है। दूसरा है आपका डेट, डेट आपको पता है जो डेट है हमारे पास उसका है। दूसरा है ये बूलियन, बूलियन जो है ना ये डेटा टाइप में से 2 ही आपके कमांड्स एक्सेप्ट करता है, ट्रू फॉल्स, ठीक है, बाइनरी नंबर्स के पास तरह 0 और 1। तीसरा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में आपको पता है इमेज भी आ सकती है, कोई फाइल भी आ सकती है, ठीक, इसमें दोनों आ सकते हैं, मतलब जो वहाँ पे हमारे पास जो डेटा टाइप था ना पीछे सिंगल और डबल लार्ज वाला, वो उससे ज़्यादा कैपेसिटी मतलब 16 बाइट, उधर हमारे पास मैक्सिमम 12 बाइट थी। तो इस तरह आप ये इसके साइज़ के हिसाब से डिसाइड करेंगे हमें डेटा टाइप कौन सी यूज़ करनी है, ठीक है। अच्छा जी, अब वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं, ये होता क्या है, इसमें क्या है। उस वक्त तो सरसरी समझ में आ गया वेरिएबल नाम के हिसाब से कैसे हुआ, कॉन्स्टेंट नाम के हिसाब से। अब डिटेल में क्या बता रहे हैं, डेटा आर स्टोर्ड आइदर एज अ वेरिएबल और एज अ कॉन्स्टेंट एज पर रिक्वायरमेंट प्रोग्रामर के, वो डिसाइड करेगा कि मैं जो डेटा भी यूज़ कर रहा हूँ उसको किस टाइप में रखता हूँ, मतलब वेरिएबल के तौर पे यूज़ करूँगा या कॉन्स्टेंट के तौर पे। आ वेरिएबल इज सिमिलर टू अ मेल बॉक्स इन द पोस्ट ऑफिस बिकॉज ऑफ इट्स कॉन्टेंट्स चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। यही बात है, वेरिएबल एक जैसा नहीं रहता, वो वेरिएंट होता रहता है, चेंज होता रहता है। जैसे एग्जांपल मेल बॉक्स का दिया है कि जी आज कुछ मेल आई है, कल कुछ आएगी, परसों कुछ होगी, उसमें और मेल आएगी, तो चेंज होता रहता है, ठीक है। अच्छा, इस वीबी में एनवीबी वेरिएबल्स आर एरियाज एलोकेटेड बाय द कंप्यूटर मेमोरी टू स्टोर डेटा। अब मजीद इसको एक्सप्लेन कैसे किए, आपने अगर वेरिएबल दिया ना, आप याद आ रहे हो कोई मैंने पहले यूज किया है वेरिएबल, मैंने वहां पे कैसे यूज किया, कभी एग्जांपल में मुझे बताओगे जो हमने पिछले कर चुके हैं। मैंने बताया भी था कि वेरिएबल है, इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, वो ही कर रहे हैं हम, वहां में यूज किया था, याद करो, डिम करके हमने लिखा था ना एक वर्ड कीवर्ड, उसको कीवर्ड डिम बोलते हैं, वो एक तरह से वेरिएबल है। आगे उसको हम दे रहे थे इंटीजर या स्ट्रिंग डेटा टाइप, ठीक है, तो वो डिम, इसकी डिम की बात हो रही है, वहां पे वीबी प्रोग्रामिंग पे उसको नाम दिया है वीबी के अंदर। अच्छा, कुछ रूल्स फॉलो करने को उन्होंने कहा है जब आप वेरिएबल डिफाइन करते हो या यूज करते हो प्रोग्रामिंग के अंदर। अच्छा, ये क्या, यू हैव टू असाइन अ नेम टू एवरी वेरिएबल, हर वेरिएबल को आपको नाम देना लाजमी है। इन ऑर्डर टू नेम वेरिएबल्स यू हैव टू फॉलो दीज सेट्स ऑफ रूल्स, कौन से हैं जी, इट मस्ट बी लेस देन 255 कैरेक्टर्स,
255, ये तो खैर इतनी लंबा है तो वेरिएबल कोई नहीं बनाता, लेकिन एक लिमिट दी हुई है 255 करेक्टर की, ठीक है। दूसरा क्या है, नो स्पेसिंग अलाउड, स्पेसिंग आप नहीं दोगे, इससे ये जो पॉइंट्स को फॉलो नहीं करोगे ना, इससे क्या होगा, आपके एरर्स आएंगे प्रोग्राम में, और एरर्स को हैंडल करना, फिर एक्सेप्शन होते हैं, और काफी आपका प्रोग्राम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इससे बेहतर इन रूल्स को फॉलो करो। तीसरा क्या है, इट शुड बिगिन विद अ नंबर, शुड नॉट बी बिगिन विद अ नंबर, मतलब वेरिएबल आप कोई भी बनाओगे तो उसके नंबर से शुरू नहीं होना चाहिए नाम, जैसे हमने वहां पे दिया था ना LBL नंबर वन नम टू करके दिया था, या TXT करके हमने नेम किया था, TXT नंबर वन किया था, तो ये उस वेरिएबल का नाम दे रहे हैं, तो वो करने के लिए हम इन चीजों को फॉलो करेंगे। TXT में लिखूंगा ना तो TXT से पहले 1 TXT नहीं करूंगा, वो एरर दे देगा। जब हम किसी वेरिएबल का नाम दे रहे हैं ना, कौन सा नेम, वो नीचे वाला नेम, ऊपर टेक्स्ट वाला नेम नहीं है, ये नीचे वाला नेम की वजह से बाहर, हाँ डिजाइन वाले की उधर, ठीक है। स्पेसिंग नहीं दोगे, इस करेक्टर से कम होना चाहिए, और शुरू में नंबर यूज नहीं करना आप। अच्छा, आप पीरियड इज नॉट अलाउड, पीरियड आपको पता है कौन कौन से जो सिंबल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने दिए हुए, ये देखो ये वेरिएबल का नेम है, और ये इसने दो सेक्शन में मैंने इनको किया है कि एक वैलिड है और दूसरा इनवैलिड है। यहाँ पे मैंने अंडरस्कोर दिया इसको, माई और मोबाइल फोन, ये वेरिएबल का नाम दिया, यहाँ पे भी यही मोबाइल फोन है, लेकिन यहाँ पे मैंने पीरियड यूज किया है। पीरियड का मतलब भी तो ना कोई फुल स्टॉप, कोमा, ठीक है, सेमी कॉलन, अपोस्ट्रोफी, जो ये इस तरह से, ये इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि डॉट के साथ जो भी चीजें हैं ना, ये ज्यादातर कुछ लाइब्रेरीज में ऑलरेडी डिफाइन की होती हैं इसकी क्लासेस के अंदर, तो वो मसला हो जाता है। यहाँ पे ये वैलिड है एप्पल के बाद हमने नंबर यूज किया है, यहाँ पे एप्पल से पहले, ठीक है। तीसरा यहाँ पे क्या है, हमने हर जगह पे अंडरस्कोर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमने ये एंड साइन यूज किए हैं बीच में, या यहाँ पे ये स्टेरिक का साइन यूज किया है बीच में, तो ये भी एरर दे देगा। तो वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, या दोनों में से किसी एक पे भी आप काम कर रहे हो, आप उसको अगर डिफाइन करते हो अपने प्रोग्राम में, तो इस तरीके से डिफाइन नहीं करना जो ये रूल्स दिए हुए हैं, इस तरीके से करना है आपको। ये चार चीजें, ये सिर्फ आप याद रखना जहन में, एग्जाम्पल्स भी अभी हम करेंगे। अच्छा, अब हम चाह रहे हैं इन चीज़ों को डिक्लेयर करने के लिए, जो वेरिएबल और कॉन्स्टेंट हमने पढ़े थे, दो टाइप्स डेटा के अंदर जब हम काम करेंगे तो दो टाइप्स को फॉलो करेंगे, चाहे वो आपका क्या कहते हैं वेरिएबल पे कर रहे हो, चाहे वो कॉन्स्टेंट पे कर रहे हो। अब हम वेरिएबल पे कर रहे हैं। अच्छा, डिक्लेरेशन, वी क्लियर अ वेरिएबल यूजिंग बिन स्टेटमेंट, ये इसका की एक की है, कीवर्ड जिसको कहते हैं उसके अंदर, वीबी के अंदर, ठीक है। बिन का यूज होता है, ये एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। स्टेटमेंट हम यूज करेंगे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए। अच्छा, जो स्टैंडर्ड मेथड है जो प्रोग्रामिंग के तौर पर, पहले आप वो कीवर्ड यूज करोगे बिन, फिर वेरिएबल का नाम आप दोगे, जैसे नाम से मुराद मैं एग्जांपल यूज कर रहा हूं, आपको याद हो TXT नेम, TXT नंबर वन, याद है, तो ये TXT नंबर वन यहाँ लिखोगे। एज डेटा टाइप, अब एज यहाँ पे डेटा टाइप इंटीजर दोगे या स्ट्रिंग दोगे, अभी हम आगे फिलहाल नहीं जाएंगे ट्रू फॉल्स और बूलियन वाले उस पर, अभी फिलहाल हम सिर्फ नंबर और एबीसी पे काम कर रहे हैं। तो स्ट्रिंग करोगे तो मतलब आप एबीसी अगर यूज कर रहे हो, माउस पे आ रहे, एबीसी वाला काम कर रहे हो, कोई नाम है या एड्रेस है वो लिख रहे हो, तो आप क्या करोगे, स्ट्रिंग कर देना उसको। अगर आप नंबर पे काम करो तो यहाँ पे इंटीजर करोगे उसको आप, ठीक है। जो डेटा टाइप में टेबल पे आप जाओगे आपको फिर समझ में आ जाएगा। अच्छा, मजीद आगे क्या कह रहा है, वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, ये तो स्टैंडर्ड मेथड है, पहले बिन लोगे, फिर आप वो नाम लोगे जो आप सजेस्ट करना चाहते हो, लेकिन नाम वेरिएबल का डिक्लेयर करने से पहले उन चार चीजों का ख्याल करना लाजमी है जो पिछले अभी स्लाइड में हमने पढ़ी थी, फिर एज डेटा टाइप उसका क्या होना चाहिए। अच्छा, नोटिस दैट यू नीड टू असाइन अ नेम टू द वेरिएबल एंड आल्सो स्पेसिफाई इट्स डेटा टाइप, ठीक है, ये क्लियर हो गया। इन एडिशन, इफ यू इंटेंड टू डिक्लेयर मोर वेरिएबल्स, यू कैन डिक्लेयर देम इन सेपरेट लाइंस और यू कैन कंबाइन देम इन वन लाइन सेपरेटिंग ईच वेरिएबल विद अ कोमा, ये नीचे बता दिया। अब दो तरीके से आप डिक्लेयर कर सकते हो, आपके पास चार पांच वेरिएबल आप बना रहे हो, चारों पांचों के डेटा टाइप सेम आप यूज कर रहे हो। एक तरीका ये कि बिन करके आप उस वेरिएबल का नाम दे दो और एस करके उसका डेटा टाइप कर दो, फिर कोमा करके दूसरा तीसरा अलग अलग कर दो, इस तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ नीचे सेपरेट आ जाए,
अच्छा, तो ये हो गया कॉमा देकर सेपरेट करने का, और दूसरा तरीका है कि हर वेरिएबल के लिए सेम यही पैटर्न फॉलो करो, ये वाला, ठीक है? डिम टीएक्सटी वन एज स्ट्रिंग, डिम टीएक्सटी टू एज स्ट्रिंग, ऐसे चलते जाओ। यहाँ तो आप एक दफा इसको यूं कर दो कॉमा देकर, जिस तरह ये नीचे एग्जांपल है, कॉमा देकर ये करते जाओ। हर वेरिएबल के साथ डिम लिखने की जरूरत नहीं है। ये दो टाइप्स समझ में आ रही है, दो तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, और डिक्लेयर करने से पहले पिछले स्लाइड में मैंने जो कहा था आपको कि डेटा का टाइप जब बनाओगे या वेरिएबल का नाम देते हुए आपको इन चार चीजों का जो ख्याल करना है वो कर दिया। उसके बाद आप सोचो अगर चार सेम टाइप के डेटा वो वेरिएबल आप बना रहे हो तो ये तरीका यूज करो, या चारों को अलग अलग कर दो। ये तरीका करने से क्या होगा, डिम एक मरतबा लिखना पड़ेगा आपको, फिर वेरिएबल का नाम लिखो एज उसका टाइप, फिर एज उसका टाइप। अब इसमें आप डेटा टाइप इसको मतलब यहाँ पे आप इसको कर दो एज अ स्ट्रिंग, इसको आप एज अ वो भी कर सकते हो, क्या कहते हैं उसको, दूसरा कौन सा था, स्ट्रिंग इंटीजर, सॉरी, ठीक है? तो ये आपके ऊपर है अभी, ओके हो गया। तो दो टाइप से डिक्लेरेशन होगी। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, ये देखो डिम एक पासवर्ड का उन्होंने वेरिएबल बनाया, उसको स्ट्रिंग लिया, फिर नेम का स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा है। डिक्लेयर करने का मकसद क्या होता है, ये क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा होगा। डिक्लेयर करने का मकसद ये होता है कि आप उस डेटा को आगे प्रोग्राम में कहीं यूज करना चाहते हो ना, तो वो कहीं प्रोग्राम में पहले से डिफाइन होना चाहिए, पहले से कहीं पड़ा होना चाहिए। ये डिक्लेयर करने का मतलब क्या है, ये आपका प्रोग्राम एक मेमोरी यूनिट बना देता है, मतलब एक यूएसबी वाला काम आप कह लो, आपके मेमोरी स्लॉट में उस डेटा को वहां पे साइड पे सेव कर देता है। कि भाई प्रोग्राम ये जो है ना, जैसे इस एग्जांपल को देखो ना, एक मेमोरी कार्ड उसने लगा दिया कि जी यहाँ पे पासवर्ड सेव होगा, एक मेमोरी कार्ड लगा दिया यहाँ पे नेम होगा, एक ये फर्स्ट नंबर होगा, सेकंड नंबर होगा, यहाँ पे टोटल आएगा, यहाँ पे डेट आएगा। तो जब भी आप आगे आप काम करोगे उस मेमोरी कार्ड से जहां पे जहां जाए ये सेफ है, वो सिंपल उसको वहां से कॉल करेगा। वो जो कॉल किस तरीके से, जैसे हमने इवेंट हैंडलर वाला जो एग्जांपल किया था, ठीक है? तो डिक्लेयर करने का मकसद ये होता है, आपका एक फ्लो होता है ना प्रोग्राम के चलने का, उस फ्लो को मेंटेन रखने के लिए हमें इस तरह वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना लाजमी होता है, ताकि रन टाइम पे कोई इश्यूज ना हो, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास है जी, इनको कंटिन्यू रखते हैं। एक और एग्जांपल है इसका, यू मे आल्सो कंबाइन द अबव स्टेटमेंट इन वन लाइन सेपरेटिंग विच वेरिएबल विद कॉमास, ये तो मैंने बता दिया आपको कि जी किस तरह कॉमा करके कि वेरिएबल दो चार टाइप्स के वेरिएबल को हम आगे, अब देखो यही चीज हो रही थी, पासवर्ड एज अ इंटीजर किया, इसके साथ डिम नहीं लगाया, यूर नेम के साथ सिर्फ मैंने कॉमा दे के कॉमा दे दिया, इसका मतलब ये भी डिम नहीं है, ये भी एक वेरिएबल है। Your name as variable है, क्यों variable है? Password change हो सकता है, name भी change हो सकता है, first name भी। Variable का मतलब ये है कि वो vary करता है, change करता है, अभी हम constant की तरफ नहीं गए, ठीक है? इसी तरह एक example दे दिया, button click करने पे क्या आ रहा है जी, dim your message as string your name, your message equal to ये दे दिया इसने। message box में हमने क्या किया, simple या एक उस वेरिएबल का नाम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे डिक्लेयर किया हमने किस नाम से, यूर मैसेज के नाम से। टाइप क्या रखा मैंने उसका, स्ट्रिंग, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, उस वेरिएबल के अंदर पहले से ही डेटा डाल रहा हूँ, ये मैसेज समझ रही बात को, वेरिएबल बनाया मैंने एक, डिम लिख रहा हूँ, उसका मतलब मैं कि वेरिएबल एक मेमोरी कार्ड बना रहा हूँ, उस मेमोरी कार्ड के अंदर एक मैं एक छोटा सा मतलब एक डेटा डाल रहा हूँ, क्या डेटा डाल रहा हूँ, योर मैसेज उसका नाम है ये, ठीक है? अब उस वो डेटा टाइप, उसका टाइप क्या रखा मैंने, एबीसी रखा है, स्ट्रिंग का मतलब एबीसी, नंबर नहीं, ठीक है? आगे मैंने क्या किया उसी में मजीद के, जो मैंने डेटा मेमोरी कार्ड में इसमें जो रखा है उसके अंदर में क्या लिखना चाह रहा हूं, मतलब उसको उसका मैंने यहाँ पे लिख दिया हैप्पी बर्थडे। अब जो मैसेज बॉक्स जो इसका अपना एक वो है फंक्शन है वीबी का, उसके अंदर मैंने सिंपल उसको कॉल किया, इस वेरिएबल को जो मैंने डिक्लेयर किया था, इसको मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, ठीक है? मैसेज बॉक्स यदि शो होगा क्लिक करने पे, उस पर यह मैसेज लिखा हुआ आएगा जो मैंने वह मेमोरी कार्ड में इसके फीड किया हुआ है, ठीक है? कैसे डिक्लेयर हो रहा है, कैसे कॉल हो रहा है, ये सब के लिए यही पैटर्न, यही प्रिंसिपल फॉलो होगा, नो न्यू थिंग, ठीक है? अच्छा, व्हेन यू वांट टू पुट ऑन मैसेज बॉक्स शो, यही चीज मैंने आपको बताया। आगे चले, दो एग्जांपल्स हो गई, समझ
समझ आ रही है बात? कल पूछूंगा तो पता चलेगा। अच्छा दूसरा एग्जांपल है वही, अभी क्या कहते हैं इसको, ये डिस्प्ले आ गया उसका जो हमने किया था अभी सिंपल, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अब वो कांस्टेंट वाली और वो वाली बात थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी शायद इस एग्जांपल में। असाइनिंग वैल्यूज टू वेरिएबल्स, डिक्लेयर किया हमने वेरिएबल को, कॉल भी किया वेरिएबल को, ठीक है। एक मिनट मैं इसको दोबारा यहाँ से स्टार्ट कर दूँ, बल्कि ओके कंटिन्यू। आफ्टर डिक्लेयरिंग वेरिएबल यूजिंग द डिम स्टेटमेंट वी कैन देन असाइन वैल्यूज टू दीज वेरिएबल्स, द सिंटैक्स इज, सिंटैक्स क्या है ये रहा, हमने पहले भी वेरिएबल्स को वैल्यू दिए हैं पिछले एग्जांपल्स में, याद हो आपको नम वन इक्वल टू 10, नम टू इक्वल टू 15, इस तरह वो इस तरीके से वैल्यूज असाइन करते हैं मतलब, ठीक है। डिक्लेयर हमने किया, कॉल भी किया, असाइन भी किया, उसी चीज को अभी आप आगे पढ़ रहे हैं। ये इसका स्टैंडर्ड मेथड है, हर मतलब वो सेंटेक्स इसका अपना है पैटर्न, आगे आप उसको यूज करोगे किस तरीके से वो नीचे एग्जांपल्स में होगा। दी वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड वेरिएबल और अ कंट्रोल प्रॉपर्टी वैल्यू, ठीक है। अच्छा कंट्रोल प्रॉपर्टी वैल्यू को कौन सा बता रहा है, ये कोई बता सकते हैं मेरे को? कैन बी डिक्लेयर्ड क्या है, वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड वेरिएबल और अ कंट्रोल, ये इसका क्या मतलब है, ये कर चुके हो किसी को जहन में क्लिक आ रहा है, क्या बात कह रही, सॉरी जोर से बोलो, कोई इशू नहीं है, गिव यू सेल्फ अ ट्राई, कोई मसला नहीं है, मिस्टेक हो गलत बोलो डजंट मैटर, कुछ ना कुछ बोलो जो आपके जहन में आ रहा हो। प्रॉपर्टी वैल्यू बेटा डिक्लेयर कर रहे हो वेरिएबल को, अब आपको पता है कैसे डिक्लेयर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी वैल्यू और तरीकेकार बताया, इससे आपके जहन में क्या आ रहा है? पहले शुरू से हम प्रॉपर्टी वैल्यू से ही डिक्लेयर कर रहे हैं वेरिएबल को, प्रॉपर्टी से कर रहे हैं उसी को और करके बता रहे हैं और तरीके का, प्रॉपर्टी से हम कर रहे हैं ना, नेम की जगह पे txt करके टेक्स्ट बॉक्स का चेंज कर रहे होते हैं, तो वहां पे डिक्लेयर ही कर रहे हैं उसको, लेकिन क्या है प्रॉपर्टी वैल्यू से कर रहे हैं। यहाँ पे प्रोग्रामिंग में अलग आप कर सकते हो, वहां पे भी वही वाली बात, डिजाइन और रन टाइम, ठीक है। आगे चलते हैं, दी एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन इंक्लूड अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, अ नंबर, अ स्ट्रिंग, अ बूलियन वैल्यू, ट्रू फॉल्स एंड मोर एज इट स्टेट। अच्छा नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं वैल्यूज उसके अंदर वेरिएबल के अंदर डालने के लिए, डिम बना दिया आपने मेमोरी में, उसको असाइन कर दिया कि ये इस मेमोरी कार्ड में यहाँ पे जाएगा। एक तो तरीके का वही होगा प्रॉपर्टी से आपने उसको जो है ना वो टाइप दे दिया, लेकिन वहाँ पे वैल्यू वहाँ पे भी देते हैं ऊपर जो नेम वाला है ना वहां से वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन ये प्रोग्रामिंग सेक्शन में यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें ये एक वेरिएबल का नेम दिया इसने, फर्स्ट नेम इक्वल टू 100, अब ये इसको हमने वैल्यू दे दिया। सेकंड नंबर इक्वल टू फर्स्ट नंबर माइनस 9900, अब फर्स्ट नंबर हमारे पास 100 था इससे माइनस 99 कर लेगा ये, ठीक है। यूजर नेम ये हमने यहीं पर असाइन कर दिया प्रोग्राम के अंदर, पासवर्ड भी यहीं पर असाइन कर दिया। लेबल वन डॉट विजिबल इक्वल टू ट्रू, अच्छा ये बूलियन डेटा टाइप आ गया। अच्छा लेबल वन लेबल कोई भी हम लगाएंगे, अगर आप उसको बाय डिफॉल्ट अगर यहाँ चेंज नहीं करते हो तो वो इनविजिबल ही आता है वहां पे, आपके जब रन करोगे प्रोग्राम को तो वो नजर नहीं आएगा। अगर आप चाहते हो कि प्रोग्राम खुलते ही वो लेबल जो भी आपने वहां पे उसको अपने फॉर्म पे लगाया है वो नजर आना चाहिए, तो उसको इस तरीके से आपको वेरिएबल के तौर पे डिक्लेयर करके उसका जो है ना यहाँ पे ट्रू करना पड़ेगा। विजिबिलिटी ये उस ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टी है, कोई बोली बात एग्जाम्पल याद है, ये वो क्लास है या ऑब्जेक्ट है ये उसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी किसे क्या कर रहे हैं उसको ट्रू कर रहे हैं मतलब वो विजिबल हो जाएगा, ट्रू का मतलब ये है, ठीक है। अच्छा कमांड वन डॉट विजिबल ये भी एक लेबल है, उसको भी ये हमने इसको फॉल्स कर दिया। ये इसी तरह टेक्स्ट बॉक्स को इन्होंने दिया हुआ है, टेक्स्ट बॉक्स लेबल को किससे बराबर किया है, टेक्स्ट बॉक्स वन के अंदर जो टेक्स्ट होगा ना वही टेक्स्ट आपके इस लेबल पे चला जाएगा, ये हम वैल्यूज डाल रहे हैं उस वेरिएबल के अंदर, ठीक है। और इसके बाद थर्ड नंबर ले लिया, और ये यहाँ पे बिल्टन फंक्शन है जो हमने पहले यूज किया वैल्यू के लिए, ये क्योंकि टेक्स्ट में वो टेक्स्ट बॉक्स ही ले रहा है, ये न्यूमेरिक डेटा को नहीं रीड कर सकता, ठीक है। ये टेक्स्ट का मतलब है नॉन न्यूमेरिक,
ये इसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर रहा है। अच्छा, फिर इसी तरह टोटल किया इन्होंने, अब यहाँ पे अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन जिसको कहते हैं ना, रियाजी वाला काम हो रहा है, जो अर्थमेटिक ऑपरेटर लगा के टोटल का एक वेरिएबल बनाया, उसमें फर्स्ट नंबर जो ऊपर डिफाइन किया है वो प्लस हो रहा है सेकंड नंबर से, फिर प्लस हो रहा है थर्ड नंबर से। अब नीचे क्या है, ये मजीद इस एग्जाम्पल का कह रहा है, एन एरर अकर्स व्हेन यू ट्राई टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल ऑफ द इनकंपेटिबल डेटा टाइप। फॉर एग्जाम्पल क्या है, इफ यू हैव declared a variable as an integer but you assign a string value to it, ये हमने करके भी देखा था, an error will be occur। अब यहाँ पे अगर आप किसी को, किसी variable को data type string दे देते हो और उसको आगे value उसमें अगर feed कर रहे हो, उसमें आप number feed करोगे, ये इसको अगर, इसको भी नहीं सोचो, अगर ऐसी आप उसमें नंबर फीड करो या नंबर की जगह पे टेक्स्ट उसका फीड करो, तो वो एरर दे देगा। उस एरर को कंट्रोल करने के लिए ही वो यहाँ पे वैल्यू का फंक्शन यूज कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल देखो क्या है, यहाँ पे मैंने एक इंटीजर लिया, क्या यहाँ पे बल्कि इसको पहले डिफाइन किया, वेरिएबल लिया, उसको उसका टाइप इंटीजर रखा, ठीक है, और उसी वेरिएबल के अंदर मैंने डेटा फीड कर दिया, एक टाइप देख रहे हो कौन सा है, टाइप उसका है नंबर, और डाल रहे हैं इसके अंदर जो वैल्यू डाल रहे हैं वो क्या डाल रहे हैं, हम अल्फाबेट डाल रहे हैं, स्ट्रिंग डाल रहे हैं। इसको अगर मैं रन करूंगा तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये मुझे क्या देगा, एरर देगा। ये इसी एग्जांपल को आगे ऊपर जो है ना, इसी चीज इस लाइनों में इसी चीज को बता रहा है। यहाँ पे मैंने वेरिएबल इस नाम से क्रिएट किया, उसको इंटीजर बनाया, लेकिन उसके अंदर मैं डेटा स्ट्रिंग डाल रहा हूँ, जैसे उसको मैं रन कराऊंगा, डिस्प्ले कराऊंगा, मैं सिर्फ एरर दे देगा, ठीक।